लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक 10 मिनट बाद हम लोग किसी जगह मिले, मगर 1 मिनट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा। चल रही है ना, सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? मालूम नहीं साहब। रामू देखो, तुम्हारे सूरज भैया ने मुझे बुलाया था। कहाँ है वो? वो तो रात को घर पे ही नहीं आए। दामोदर जी साहब, मुझे सूरज हर हाल में चाहिए। बहुत अच्छे साहब। सलाम साहब, आपने बुलाया सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। कल रात को तुम किधर थे? क्या साहब, एक ही सवाल पूछने की आपकी आदत हो गई है क्या? कल रात को जेके सेठ की तिजोरी से 40 लाख रुपए चोरी हो गए। बहुत कमजोर तिजोरी होगी साहब, लेकिन बड़ा तकड़ा हाथ मारा ये चोर साहब ने। अपन तो आज तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाए। साहब, ऐसी कोई और तिजोरी होगी क्या? जो पूछ रहा उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना अंदर कर दूंगा। भड़क क्यों रहे ले साहब, अपन बता देते है ना, कल रात अपन घर में था। झूठ बोल रहे हो, मैं खुद तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे पड़ोसी इस बात के गवाह है कि तुम रात को घर पर नहीं थे। मेरा मतलब है दूसरा घर साहब, अपन ससुराल में था। ससुराल में? ससुराल? चोर का ससुराल हवालात होता है ना साहब। अब हुआ ये कि कल रात गलती से अपन नाना चौक के घर में ना चोरी करने चला गया, पकड़ लिया आपके भाई बंधु ने साहब, अंदर कर दिया साहब, पूरी रात अंदर रखा। लेकिन छोटी सी चोरी थी ना साहब, इसलिए जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है साहब, चेक कर लीजिए आप। अभी आप ही बताइए, अपन हवालात में रहकर कैसे चोरी कर सकता है? अच्छा रास्ता निकाल लिया तुमने इस चोरी से बचने का। रास्ता वास्ता नहीं साहब, अपन एकदम सच बोलता है, 100% सच। वैसे साहब याद है अपन आपको बोला था, चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है, छोटा सा दहला साहब। तुम्हारे छोटे से दहले का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सच साहब? जा सकते हो तुम यहाँ से। चलता हूँ साहब, सलाम। साहब
नाना चौक पुलिस स्टेशन में फोन करके तो पूछ लीजिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। ना भोसले, उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन इसके झूठे सच को अगर मैंने बेनकाब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विजय नहीं। गिन लो सेठ जी, पूरे 22 लाख हैं। 22 लाख? अरे राम को नाम ले, 2 लाख ज्यादा। सेठ जी 20 लाख जमीन के और 2 लाख इस पर साइन करने के। पर सही कर बाका। अरे राम को नाम ले, क्या लिखा है मैं? अरे सेठ जी इसमें लिखा है कि आपने अपनी जमीन बस्ती वालों को दान कर दी। एक दिन में इतना रुपया कहीं चोरी चकरे? एक तो 20 का 22 और फिर दान में नाम ऊंचा। अगर आपने किसी से कहा कि ये 22 लाख अपन ने दिया है ना, तो जमीन तो गई, ये 22 लाख भी अपन ले जाएगा। अरे राम को नाम ले, यही बात तो मैं तेरे को भी कहने वाला था। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात बताऊं, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कोई दान कर्म हो जाए। आज तेरी वजह से उसकी इच्छा भी पूरी हो। ये ले 5 को नोट, ऐश कर। आप ऐश करो सेठ जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको नाम दो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ आओ चलो। मेरे आदमी ने मुझे खबर दी थी कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पहुंच जाऊं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, अपन के घर आते तो अपन को चाय ठंडा पिलाना पड़ता आपको। बकवास बंद करो, क्यों आए हो यहाँ? अरे सेठ जी ने बुलाया अपन को ये कागज देने के लिए। बड़े दयालु हैं अपने सेठ जी, इन्होंने अपनी सारी जमीन बस्ती वालों को दान दे दी। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें जमीन के? अरे क्या बोल रहे हैं आप, दान धर्म में कोई लेन देन होता है क्या? मैं सेठ जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। सेठ जी आप ही बता दीजिए ना। अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन से रुपए की बात कर रहे हो? जो रुपए आपने इस जमीन के मांगे थे। मांगे थे लेकिन बाद में सेठ जी को दया आ गई, इन्होंने सब दान कर दिया। बोलो सेठ। माफ करना साहब, जबरदस्ती किसी से वो कहलवाना जो आप चाहते हो कानून के खिलाफ है। आप कानून वाला है, अपन तो आपको समझा रहा था सिर्फ, है ना सेठ जी? देखो मैं कानून अच्छी तरह जानता हूँ, और अब तुम ही अपना मुंह बंद रखोगे, समझे? ठीक है साहब। बोलो सेठ, ये क्या है? अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये दान अपनी इच्छा से किया। ओके सेठ, ओके। इस बार तो भगवान ने तुम्हें बचा ही लिया, चाहे तुम दूसरों का भला कर रहे हो, इसलिए गुड लक। इनका मतलब वो ससुर के नाते ने हमका धोखा दिया? हाँ, जब मैंने सेठ के गले पे चाकू लगाया तब उसने बताया कि सूरज ने जमीन की कीमत 22 लाख रुपए दी है। हमारे खबर का हमका हिस्सा दिए बिना उस ससुर के नाते ने फायदा उठाया, ये पाप की दुनिया के कानून के खिलाफ है। एक ही उका सजा भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। हेलो आरती। ओह, मेरा मैसेज मिला? मैसेज? पुलिस स्टेशन घर जहां भी पहुंचू एक ही बात, आरती जी ने तुम्हें फौरन बुलाया। कहिए क्या हुक्म है हमारी हाई कमांड? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना था। सवाल? हाँ वही, ऐसा कौन सा बंधन है जो दो दिलों को अटूट रिश्ते में बांध देता है? वो है शादी का बंधन। तुमने कितनी आसानी से कह दिया, और मैं आज तक चाह कर भी नहीं कह सका। मैंने नहीं, उसने कहा है जिसको मैं चाहती हूँ। मैंने तो नहीं कहा। मैं तुम्हारी नहीं इसकी बात कर रही हूँ।
सूरज? तुम सूरज को जानते हो? इसे पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक आदमी जानता है। विजय। हाँ, ये एक शातिर चोर है। जेके सेठ की तिजोरी की चोरी में इसी ने किया। क्यों बोल रहे हो? ये एक ऐसा झूठ है जो तुम्हें शहर के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। आरती, देखो ये बस्ती वाले लोग कितने खुश हैं। इन्हें इनका घर मिल गया, इन लोगों का सपना पूरा हो गया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये सपना किस तरह पूरा हो गया, सिर्फ इतना बता दो कि तुम एक चोर हो या नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम चोर हो कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ, तुम चोर हो कि नहीं? अरे वो देखो, उन लोगों को देखो, वो तुम कितने चोर हो कि नहीं? अपन एक चोर है। आरती, बातें सुनो। आरती, मैं